हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम के बारे में, जो है हेयर फॉल और हेयर केयर। तो आज हम यहाँ पे एक ऐसा मास्क बनाने वाले हैं जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसे चली जाएंगी। सो आइए देखते हैं कैसे बनेगा हमारा ये हेयर मास्क। आज हम बनाएंगे हेयर मास्क। उसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून कर्ड। कर्ड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी बेसिकली जो डैंड्रफ होती है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारे हेयर्स जो है वो इससे सॉफ्ट होते हैं। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है और बहुत अच्छा कंडीशनर भी एक्ट करता है हमारे बालों के लिए। नेक्स्ट हम डालेंगे 1 टीस्पून हनी। हनी जो होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हम हार्श केमिकल ब्लीच ट्रीटमेंट जो कराते हैं अपने बालों के लिए, उसकी जगह अगर हम हनी लगा लें तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हमारे हेयर ब्रेकेज को रोकता है और उसके साथ साथ हमारा जो हेयर लॉस या फिर आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हम डालेंगे अलसी जेल 1 या 1.5 टीस्पून। ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, ब्रेकेज भी प्रिवेंट करता है हमारे बालों के लिए और हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर को नरिश भी करता है। उसके साथ ही साथ ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। और अगर आपको सीखना है कि हम फ्लैक्सीड्स, इसे फ्लैक्सीड भी कहते हैं और अलसी भी कहते हैं, अगर आपको सीखना है कि ये किस तरीके से बनानी है, इसका जेल कैसे बनाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाई हुई है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा हेयर मास्क प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। मैं अपने हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। हाथों से इसलिए क्योंकि रूट्स में बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो अब हम इसे बालों में अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने बालों के 2 सेक्शंस कर लेंगे सो दैट हमें लगाने में इजी हो। अब हम अपना मास्क लेंगे और उसको हर जगह इवेंटली बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे स्कैल्प से। अब आप देख सकते हैं जो मास्क है वो बालों में अच्छे से अप्लाई हो चुका है। हर जगह रूट्स पे और हर जगह अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब हम इसे 1 आवर के लिए छोड़ देंगे।